सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्कवरी गेमिंग चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त डेविल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ब्रांड न्यू गेम के बारे में। टॉप 5 ब्रांड न्यू गेम्स मैं लेके आए हूं आपके लिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे होने वाले हैं वो गेम्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है ब्राइट मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर बात करें इस गेम की तो ये बहुत 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 ही हाई ग्राफिक गेम है और कमाल का फर्स्ट पर्सन एक शूटिंग एक्शन गेम है। इस गेम की स्टोरी कुछ इस तरह के होने वाली है कि आपकी जो मेन लीड कैरेक्टर है वो एक लड़की होने वाली है जिसका नाम है शेलिया, जो काम करती है SRO में, यानी कि साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ से ये जाती है एक ऐसी लोकेशन में जहाँ इसको ढूंढना होता है खजाना। लेकिन आपके सामने बहुत सारी मुसीबत आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ॉम्बी वगैरह आएंगे, बहुत सारे क्रिएचर्स आएंगे, ढेर सारे एनिमल्स से फाइट करनी होगी। मैं रेकमेंड करूँगा गाइस, आपको ये गेम एक बार ज़रूर खेलना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बालों के साथ खेलना बंद करो और चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सिर में आने वाली नेक्स्ट गेम की जो निकल गया आता है वॉरफेस ग्लोबल ऑपरेशंस। बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की तो यार काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ आपको फर्स्ट पर्सन शूटिंग एनवायरनमेंट दिखने को मिल जाता है। और यार इसके गन साउंड की तो क्या कहना यार। तो चले देखते हैं इसका छोटा सा ट्रेलर जिसके ऊपर से आपको सब समझ में आ जाएगा, ग्राफिक्स कैसे है, गन के साउंड्स कैसे है, सब कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में आ रहे थर्ड नंबर के गेम के बारे में जो निकल के आता है लारा क्रॉफ्ट रिलिक रन। इस गेम में आपको करना ये है कि आपके कैरेक्टर को लेके जाना है एक जंगल जैसे एनवायरनमेंट में, वहाँ पे आपको उसको रन करवाना है। बहुत सारी मुसीबत आएगी, बहुत सारी मुश्किल आएगी, जैसे कि डोर बंद हो रहे होंगे, आपको उसके नीचे से निकलना है, गन से फायरिंग करना है, गाड़ी लेके जाना है, बहुत सारे कई जगह पे चढ़ना है और बहुत 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 कुछ करना है, कूदना वगैरह, जैसे कि इसमें बता रहा हूँ, इसमें दिख रहा है सब। टासू ट्रेलर के बाद लारा को बोलो बाय बाय और देखते हैं हमारे फोर्थ गेम को आता है जो निकल के आता है द एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन। गाइस फुल एडवेंचर्स गेम है यार, बहुत 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 ज़्यादा एडवेंचर्स से भरा हुआ है। अगर आप अभी तक इस जर्नी पर नहीं गए हो तो आपको एक बार ज़रूर इस एडवेंचरस जर्नी पर जाना चाहिए। That's his name. Triple masted, double decks. 50 guns and famous for all the wrong reasons. There's something inside this model. तो कुछ ऐसा एक कमाल का एक गेम होने वाला है, लेकिन अब बारी आ गई है पेंडिंग को। पेंडिंग को करने के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे फाइव्थ लास्ट गेम की ओर जो निकल के आता है। तो लीजिए पेश है आपके सामने चमचमाती बंदूक और बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ बैटल प्राइम। जिन लोगों को कुछ नया चाहिए था, जो लोग पबजी और COD मोबाइल खेल के बोर हो चुके थे, उनके लिए आ चुका है कमाल का थर्ड पर्सन शूटिंग गेम। जी हाँ गाइस, थर्ड पर्सन शूटिंग गेम। जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर कोई टाइटेनिक जैसी बड़ी पोर्ट फेंक के मारो या फिर बैटल प्राइम से कोई स्नैपल रख के हेडशॉट दे तो मुझे नहीं पता यार, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो यार, लाइक मारो। एम करते हैं 50 लाख, उम्मीद है आप लोग जरूर पूरा कर दो। और कमेंट में मुझे बताओ बताओ यार बताओ कि आपको कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगली वीडियो में। लेट्स गो। मैं पागल सा गेमर, खुद को हंसा दूंगा, पबजी खिला दूंगा, नाच के दिखा दूंगा, मजे कर रहा।